केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस वक्त आप देख रहे हैं के बारे में अलग अलग अफवाह फैलाई गई, चढ़ के माननीय सदस्यों ने नाच किया, किताबें और बड़े बड़े किताबें जो खतर हो सकती थी चेयर की तरफ फेंकी, जिस प्रकार से लेडी मार्शल शो पर हमला किया, जिस प्रकार से पूरे सदन के दौरान विस्लिंग हूटिंग पेपर्स फाड़ के चेयर के ऊपर फेंकता माननीय सदस्य, और जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का इंडिसिप्लिन पिछले मॉनसून सेशन में देखा, ये शायद ही इस सदन में हमने पहले कभी देखा हो। एक माननीय सदस्य ने तो जो एलईडी स्क्रीन थी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बाजू में टेबल के ऊपर, उसमें टेबल पर चढ़कर उस स्क्रीन को उतारने की कोशिश की, मैं समझता हूँ। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस वक्त संसद में सांसदों की निलंबन की कार्रवाई के ऊपर बोलते हुए और बताते हुए कि कैसे विपक्षी सांसदों ने संसद की गरिमा को भंग किया, कैसे टेबल पर चढ़ गए, कैसे उन्होंने गलत व्यवहार किया और कैसे उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई वो सही है। आप देख सकते हैं उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी खड़े हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा इस वक्त गतिरोध का विषय बन गया है सत्ता और विपक्ष के बीच, जहाँ सांसदों का निलंबन का मुद्दा छाया हुआ है। न विपक्ष झुकने को तैयार है और न सरकार इस मूड में दिखाई दे नरमी के मूड में दिखाई दे रही है। तो वेंकैया नायडू ने आज कहा कि जब तक संसद सुचारू रूप से नहीं चलेगी तब तक इस बारे में फैसला लेने का या इस निलंबन के फैसले को वापस लेने का कोई मतलब कोई सवाल ही नहीं। इस बीच देखिए सरकार की तरफ से साफ किया जाता हुआ एक बार फिर कि सांसदों ने जिनका निलंबन हुआ उन्होंने संसद की गरिमा को भंग किया, ये कहते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, और इसलिए उनका निलंबन सही था, ये सही बात इसको सही ठहराते हुए सरकार के मंत्री पीयूष गोयल, सांसदों ने संसद की गरिमा को भंग किया और सरकार बल्कि जो राज्यसभा के सभापति हैं उन्होंने कहा कि माफी मांगे, सरकार की तरफ से भी कहा गया कि माफी मांगे ये सांसद। विपक्ष कह रहा है कि किस बात की माफी, राहुल गांधी ने ट्वीट किया किस बात की माफी, जनता की आवाज उठाने की माफी मांगे हम। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।